नमस्कार दोस्तों, यह जो आप लोग ज़मीन देख रहे हो, यह आपको मथुरा में ज़मीन मिल जाएगी। जी हाँ किसान भाइयों, मथुरा में यह ज़मीन आपको मिल जाएगी, जो कि इसका राज्य होगा आपका उत्तर प्रदेश और ज़िला होगा मथुरा। और किसान भाइयों, मथुरा में आपको तहसील जो है, किसान भाइयों, तहसील इसका जो है मथुरा है, और इसका जो ब्लॉक है, यहाँ पर ब्लॉक इसका बलदेव है। जी हाँ किसान भाइयों, बलदेव ब्लॉक में यह ज़मीन बिकाऊ है। अगर आप लोग इस ज़मीन को लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं कि यह ज़मीन कहाँ की है और किस रेट में बिकाऊ है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और आप लोग पूरी जानकारी लेने के बाद ज़मीन के मालिक से भी बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को किसी भी तरह का देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो ज़मीन आप लोग देख रहे हो, यह टोटल 80 बीघा ज़मीन है। जी हाँ किसान भाइयों, बाग सहित यह बिकाऊ है ज़मीन, जो कि 80 बीघा ज़मीन है। और यहाँ पर अगर हम ज़मीन की बात करें बीघे में, तो किसान भाइयों, यहाँ पर एक बीघे में 20 बिस्वा आपको मिल जाता है और प्रत्येक बिस्वे में आपको 1250 स्क्वायर फीट मिल जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, एक बीघे में आपको यहाँ पर 20 बिस्वा मिलता है और प्रत्येक बिस्वे में आपको 1250 स्क्वायर फीट मिल जाता है। और रोड के किनारे ही आपको ज़मीन है जो दिखाई दे रही है, और रोड के किनारे ऐसी सस्ती आपको ज़मीन कहीं पर नहीं मिलेगी इससे सस्ती। और पानी के साधन की बात की जाए तो नहर है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये नहर है, तो नहर से भी सिंचाई इसकी कर सकते हो। अगर हम बात करें लाइट की व्यवस्था की, तो आपको जो खंभा दिखाई दे रहा था, जी हाँ किसान भाई, जो खंभा आपको दिखाई दे रहा था, उसी वो बिजली का तार है, तो उसी पर आपको यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी मिल जाती है। और किसान भाई, यहाँ पर अगर फसलें होने वाली फसलों की बात की जाए, तो यहाँ पर धान, गेहूँ, मटर, अरहर, यहाँ पर सभी प्रकार की लगभग फसलें हो जाती है। और अगर मिट्टी की बात की जाए, तो यहाँ हल्की पीली बलुई मिट्टी वालू है। जी हाँ किसान भाइयों, पीली मिट्टी है और बलुई मिट्टी है, दो रकम की मिट्टी है यहाँ पर। और किसान भाइयों, यहाँ पर ज़मीन के मालिक का कहना है कि आप कोई भी फसल अगर यहाँ बोना चाहते हो तो बो सकते हो। और हालांकि यहाँ पर ज़्यादा फसलें कोई उगाता नहीं है, यहाँ पर धान, गेहूँ, जो कि इनकी मुख्य फसलें हैं, तो यहाँ पर यही दो फसलें ज़्यादा उगाते हैं। और बात करें यहाँ पर गाँव की, तो किसान भाइयों, जो कि आपको गांव यहां पर बलदेव ब्लॉक में जो गांव मिलेगा, ये किसान भाइयों कैम्बे गांव है। जी हाँ किसान भाइयों, कैम्बे गांव है। और तो अगर ज़मीन के मालिक के नाम की बात की जाए, तो ज़मीन के मालिक का यहां पर जो नाम है, किसान भाइयों, मैं आपको पहले उसका जाति बता देता हूं कि ज़मीन के मालिक की जाति कौन सी है। तो किसान भाइयों, ज़मीन के मालिक का जो जाति है, यह चमार जाति से बिलोंग करते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, इनका जो नाम है, सचिन नाम है। सचिन आपको यहाँ पर जो सचिन जी का जो ज़मीन है, यहाँ पर आपको इनका अगर ज़मीन आप लोग लेना चाहते हो, तो आप लोग इनसे बात करके इनकी ज़मीन खरीद सकते हो। और किसान भाइयों, बहुत से लोग का कहना है कि यहाँ पर लाइट कितने बजे आती है और मतलब कितने घंटे रहती है, तो किसान भाइयों, यहाँ पर 20 से 22 घंटे यहाँ पर लाइट रहती है। और अगर बात की जाए यहाँ से तहसील की दूरी की, तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो तहसील की दूरी है, लगभग आपको 10 से 12 किलोमीटर की दूर पर मिल जाती है। और ब्लॉक की दूरी की बात की जाए, तो लगभग 25 किलोमीटर की दूर पर यहाँ पर आपको ब्लॉक मिल जाता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो ज़मीन का रेट है, आपको रेट पहले बता देता हूँ, जो ज़मीन का रेट है यहाँ पर 22,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से यहाँ पर इनका रेट है। जी हाँ किसान भाइयों, 22,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से यहाँ पर आपको ज़मीन का रेट मिल जाता है। और किसान भाइयों, अगर आप भी ऐसी ज़मीन अपनी बेचना चाहते हो हमारे YouTube चैनल पर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अपनी राय दे सकते हो। अगर आपको ज़मीन यह पसंद आती है, तो आपको यहाँ पर ज़मीन के मालिक का मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप उनसे बात करके आप उनकी ज़मीन खरीद सकते हो। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों, वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पास सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें,
और अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार लेना चाहते हैं तो शेयर कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।